नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 4 फरवरी 2019 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इसकी पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारे करियर डेस्ट एकेडमी .com से कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डेली आप पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यहां इस पर कमिंग लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, और दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। हम इस वीडियो के माध्यम से दो भाग शामिल करते हैं, पहले भाग में एमपी डेली करंट अफेयर्स और दूसरे भाग में एमपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और हम इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना होता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 4 फरवरी 2019 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में आयोजित नेशनल कैनोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की 13 खिलाड़ी मन स्वता तिवारी ने कौन सा पदक जीता है? अभी हाल ही में जो दिल्ली में नेशनल कैनोइंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश की किस 13 खिलाड़ी ने, मतलब मध्य प्रदेश की मन स्वता तिवारी ने कौन सा पदक जीता? तो यह सिल्वर पदक जीता, यानी रजत पदक जीता। और ये जो मन स्वता तिवारी हैं, वो सेरेबल पाल्सी से पीड़ित हैं, और ये 13 खिलाड़ी हैं, और ये उज्जैन की रहने वाली हैं। दिल्ली में आयोजित नेशनल कैनोइंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। यह उज्जैन की मूल निवासी हैं, और ये जो मन श्वेता नेशनल है पैरा ओलंपिक तैराकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, वो अरविंद कुमार शुक्ला बनाए गए हैं, अरविंद कुमार शुक्ला। और साथ ही में ये जो पत्रकार राहुल सिंह को सूचना आयुक्त, और एक वन अधिकारी हैं जीवी कृष्णमूर्ति, इन्हें सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, और मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं अरविंद कुमार शुक्ला को। और मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं अरविंद शुक्ला, और इन्होंने तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त केडी खान का स्थान लिया, जो 28 फरवरी 2019 को रिटायर हो गए। अभी हाल ही में कौन से जिले के ग्राम नलखेड़ा में बगलामुखी माता मंदिर परिसर में तीर्थ यात्री निवास और सेवा सदन की भूमि पूजन किया गया है? ये किया गया है आगर मालवा, और आगर मालवा में तो किया गया है, और यह किस किसने किया है? अध्यात्म एवं जनसंपर्क मंत्री हैं पीसी शर्मा, और एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवंत सिंह ने अगर मालवा जिले के ग्राम नलखेड़ा में बगलामुखी माता मंदिर परिसर में तीर्थ यात्री निवास और सेवा सदन का जो भूमि पूजन किया है, वह 3 फरवरी 2019 को किया है। और दोस्तों, आप इसके साथ ही, करंट अफेयर्स के साथ ही आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ग्राम नलखेड़ा में बगलामुखी माता मंदिर कहाँ पे है, ये अगरमालवा जिले में है स्थित है। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, चाहे आपको करंट अफेयर्स मिले, चाहे आपको स्टैटिक जीके मिले मध्य प्रदेश की। तो भारत का पहला साउंड एवं लाइट प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर किस जिले में बनाया जाएगा? ये भारत का पहला साउंड एवं लाइट प्रूफ हाईवे होगा, जो मध्य प्रदेश से राजमार्ग गुजरता है 7, वह सिवनी जिले में बनाया जाएगा। और ये सिवनी जिले में क्यों बनाया जाएगा? इसलिए बनाया जाएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, वो बफर एरिया में होने के कारण मोह गांव से खवासा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के 29 किलोमीटर हिस्से का निर्माण पिछले 10 साल से बाधित था। इसके लिए वन विभाग अनुमति नहीं दे रहा था, क्योंकि वन प्राणियों से संबंधित बात थी दोस्तों, और जब तक वन विभाग अनुमति नहीं देता है, तो कहीं भी, चाहे हाईवे हो या फिर आपकी सड़क भी हो, और जहां से वन विभाग गुजर रहा हो, तो वहां पे कार्य नहीं होता है। इस हाईवे पर गुजरने वाले वाहनों की लाइट एवं साउंड हाईवे से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए यह बनाया जा रहा है ताकि जंगल में वन जीवों को तकलीफ ना हो। तो यह 29 किलोमीटर है, और ये कहाँ पे पड़ेगा? आपका सिवनी में पड़ेगा, और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर पड़ेगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाली किस नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की है? ये की है बेतवा नदी, ये बेतवा नदी
की घोषणा की है कि इसमें जलमार्ग बनाया जाएगा और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3 फरवरी 2019 को झांसी में आयोजित कार्यक्रम में बेतवा नदी में जलमार्ग बनाने की घोषणा की है। अब हम देखते हैं कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कुमरा गांव और रायसेन जिले और इस नदी का पौराणिक जो नाम है बेतरावती है या बेतवंती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है और इस नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा जो है केंद्रीय जलमार्ग मंत्री ने की है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां पर पहली बार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो आयोजन किया गया है दोस्तों भोपाल में किया गया है और हम इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल देखने से पहले दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन एमपी चैप्टर द्वारा भोपाल में पहली बार 3 फरवरी 2019 को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 20 से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हमारी मध्य प्रदेश की संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जो डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने इस सम्मेलन में शामिल हुई। और दोस्तों हम देखते हैं भाग दो के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्यगण एमपी जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्णावत में प्रसिद्ध कर्णेश्वरी मंदिर स्थित है। ये मध्य प्रदेश के जो कर्णावत है और कर्णावत जो है वो देवास जिले में स्थित है। दोस्तों ये मैं आपको स्टार लगा दिया है, आप इसकी सर्च करें कि ये वास्तव में कर्णावत ये देवास जिले में ही स्थित है या दूसरे जिले में स्थित है, ये आपको देखना है। ये मैं आपको इसकी डिटेल देखते हैं पहले कि मालवा और नवाड़ अंचल में कौरव द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों में से सिर्फ 5 ही मंदिर प्रमुख माना गया है। ये जो बनाए गए थे मंदिर जो बनाया गया था जो कर्णेश्वर मंदिर बनाया गया था ये कौरव द्वारा बनाए गए थे और इनमें क्रमशः ओमकारेश्वर में ममलेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर, नैमावर में सिद्धेश्वर, ये नैमावर में सिद्धेश्वर, बिजवाड़ में बिजेश्वर, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बिजेश्वर। ये बिजवाड़ कहाँ पड़ता है आपको कमेंट करके बताएं दोस्तों, बिजवाड़ कहाँ, आप बहुत ही एमपीजी के पढ़ते रहते हैं कहीं कहीं से तो दोस्तों बिजवाड़ बताएं कि कहाँ पर है। और कर्णावत में कर्णेश्वर मंदिर ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों और इन पांचों मंदिर में संबंध में किंवदंती है कि पांडवों ने उक्त पांचों मंदिरों को एक ही रात में पूर्व मुखी से पश्चिम मुखी कर दिया था। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है तो ये आप देख लें। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जबलपुर से जबलपुर टाइम्स व सुबोध सिंधु का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, सुबोध सिंधु का जो प्रकाशन हुआ था वह खंडवा से हुआ था, ये खंडवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अविभाजित मध्य प्रदेश में कौन से वर्ष की राज बने नीति लागू थी। जब हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश था यानी जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो उसमें वर्ष 1952 की वन राज्य नीति लागू थी, मतलब राज वन नीति लागू थी और जो नई नीति मंजूरी प्रदान की गई थी वो मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में 4 अप्रैल 2005 को नई राज्य वन नीति लागू की गई। इससे पहले हमारी कौन सी लागू थी, वर्ष 1952 की लागू थी। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सटीकता से बनाए जा रहे हैं आजकल, जो आपकी बुक होती है बुक से नहीं लिए जा रहे हैं, बुक से केवल आपके 60% क्वेश्चन लिए जाते हैं और जो आपको सिलेक्शन होना है जो आपको 10% से होना है यानी 70 से जब आपके नंबर ऊपर आएंगे तभी आप सोच सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा 70 से 75 या 80 के बीच। दोस्तों अब बहुत कंपटीशन हो गया है, जो यूट्यूब और अन्य चीज़ों ने बहुत ही कंपटीशन बढ़ा दिया है। और देखते हैं हम कि लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर यानी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कब कर दिया गया है। ये जो हम इसके बारे में देखते हैं जो लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है इंदौर में उसको दिसंबर 2005 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कर दिया गया था। यह विश्व का तीसरा और एशिया का प्रथम लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है जो कि इंदौर में स्थित है। इसे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था और इसका जो नाम दिसंबर 2005 में क्या कर दिया गया, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कर दिया गया है। दोस्तों
मध्य प्रदेश की नवीन राजधानी भोपाल बनने से पहले यह वह किस जिले की तहसील थी? जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं बनी थी तो यह किस जिले की तहसील थी? दोस्तों तहसील थी, जिला भी नहीं था, यह सीहोर का। ध्यान दें दोस्तों, सीहोर की बात है, सीहोर सीहोर की तहसील थी भोपाल, ये आप ध्यान रखें। देखते हैं दोस्तों, हम 3 मार्च 2019 का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी विधेयक 2018 विधानसभा में कब पारित किया गया था? ये जो पारित किया गया था वह 26 जून 2018 को पारित किया गया था, 26 जून 2018 को पारित किया गया था। इसका आंसर आपने, किसी किसी ने 26 जुलाई दिया और किसी किसी ने कुछ और दिया दोस्तों, तो ये 26 जून इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं जो 4 मार्च 2019 का आपसे क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट के जरिए बताना है कि अभी हाल ही में भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक जेल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब से कब तक किया गया है? दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पहले ही आपसे पूछा है और ये आपको बताना है, ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है, आप पिछले देख के ना बताए, यदि आपको ध्यान ही हो और इसके बारे में पता हो कि कब से कब तक की गई थी तभी इसका आंसर बताएं। दोस्तों मैं आपको पहला ऑप्शन बताता हूं कि 26 से 26 फरवरी, 26 से 27 फरवरी, 24 से 25 फरवरी, 26 से 28 फरवरी। दोस्तों आप हमारे जो करियर डेस्ट एकेडमी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फरवरी माह की जो पीडीएफ है हमारी वो हम आपको जल्द ही अवेलेबल करा देंगे, उसकी आप बिल्कुल भी जो है वो ना करें। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।